हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2023 में उत्पन्ना एकादशी कब है, एकादशी का पारण कब होगा, व्रत की विधि, महत एवं कथा के बारे में। उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। देवी एकादशी भगवान विष्णु की एक शक्ति का रूप है। मान्यता है कि उन्होंने इस दिन उत्पन्न होकर राक्षस मुर का वध किया था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन स्वयं माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और इस व्रत को महान व पूजनीय बताया। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2023 में उत्पन्ना एकादशी कब है पारण का मुहूर्त। मगर उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साल 2023 में उत्पन्ना एकादशी 9 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को है। पारण होगा 10 दिसंबर को सुबह 7:03 से सुबह 7:13 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त हो रहा है सुबह 7:13 पर। एकादशी तिथि का प्रारंभ 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर हो रहा है और एकादशी तिथि की समाप्ति 9 दिसंबर 2023 को सुबह 6:31 पर है। व्रत की विधि। पुराणों के अनुसार दशमी तिथि को शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए सोए। एकादशी व्रत रखने वाले को अपने मन को शांत एवं स्थिर रखे, किसी प्रकार की द्वेष भावना क्रोध मन में ना लाएं। एकादशी को तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का 1600 उपचार से पूजन करना चाहिए। इस दिन केवल फलों का ही भोग लगाना चाहिए और समय समय पर भगवान विष्णु का नाम जप, सुमिरन, भजन करना चाहिए। रात्रि में पूजन के बाद जागरण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को समय अनुसार पारण करना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन व दान दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद स्वयं को भोजन ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं एकादशी माता के जन्म और इस व्रत की कथा युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में मुर नामक एक बलशाली राक्षस था। उसने अपने पराक्रम से स्वर्ग को जीत लिया था। उसके पराक्रम के आगे इंद्रदेव, वायुदेव और अग्निदेव भी नहीं टिक पाए थे, इसलिए उन सभी को जीवन यापन के लिए मृत्युलोक जाना पड़ा। निराश होकर देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव के समक्ष अपना दुख बताया। इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहते। इसके बाद सभी देवगण क्षीर सागर में पहुँचते। वहाँ सभी देवता भगवान विष्णु से, राक्षस मुर से अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु सभी देवताओं को आश्वासन देते। इसके बाद सभी देवता राक्षस मुर से युद्ध करने उसकी नगरी जाते। कई सालों तक भगवान विष्णु और राक्षस मुर में युद्ध चलता है। युद्ध के समय भगवान विष्णु को नींद आने लगती है और वो विश्राम करने के लिए एक गुफा में सो जाते हैं। भगवान विष्णु को सोता देख राक्षस मुर उन पर आक्रमण कर देता है, लेकिन इसी दौरान भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न होती है। उसके बाद मुर और उस कन्या में युद्ध चलता है। इस युद्ध में मुर घायल होकर बेहोश हो जाता है और देवी एकादशी उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद भगवान विष्णु की नींद खुलने पर उन्हें पता चलता है कि किस तरह से उस कन्या ने भगवान विष्णु की रक्षा की है। इस पर भगवान विष्णु उसे वरदान देते हैं कि तुम्हारी पूजा करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी।